हाय बच्चों, कैसे हैं आप? यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आपको दो वीडियो बैटरी से रिलेटेड मैंने थ्योरी का पढ़ाया है और आज उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और इसमें फुल डिटेल बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दें अपने मित्रों में फटाफट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहाँ लो लेवल से लेकर के और मैं हाई लेवल तक आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा और सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन केवल बैटरी से संबंधित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता हुआ, तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा है? तो बच्चों सर्वप्रथम जो सेल बनाया गया था उस सेल का नाम क्या था? वोल्टाइक सेल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो वोल्टाइक सेल जो होती है उसका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ क्या होता है? तो बच्चे लोग वोल्टाइक सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? 1.08 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है, जो डेनियल सेल होती है उसमें किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? कॉपर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, लेकिन यहाँ पर डेनियल सेल दिया गया है तो डेनियल सेल में आपका होगा कॉपर सल्फेट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यहाँ लिखा है कि शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, लेक्लांसे सेल। आंसर क्या हो जाएगा? लेक्लांची यहाँ लिखा है, इसको लेक्लांसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेक्लांसे सेल का ये जो है संशोधित रूप हो जाएगा। कौन सा सेल? शुष्क सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अमोनियम क्लोराइड का। तो इसको बढ़िया से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस सेल को बटन सेल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सेल? मरकरी सेल। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लिखा है सिल्वर ऑक्साइड का ईएमएफ। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका कितना? 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसको अपना बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक जो सेकेंडरी सेल होती है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? अधिक होता है। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन अपना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन क्षारीय सेल है? तो क्षारीय सेल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? निकिल कैडमियम सेल।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 है कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो बच्चे लोग याद रखना, कैडमियम धातु का जब प्रयोग किया जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्जिंग क्या है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। ये क्या दिया गया है, किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर ठीक है पुनः डीसी से जोड़ना। इसके ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि किसी सेल को लोड से जोड़ना, ये तो डिस्चार्ज हो गया। फिर लिखा है किसी सेल की सफाई करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है चार्जिंग से, सभी ये तो एकदम गलत है। जब एक गलत हो गया तो सभी कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कब बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस सप्लाई स्रोत की आवश्यकता होती है? तो बैटरी चार्जिंग के लिए मेरे बच्चे सप्लाई स्रोत जो है वो हमको डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, किस सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, डीसी सप्लाई की। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, लिखा है कि डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो डेनियल सेल जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 2 से 6 ओम, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी है, डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, 2 से 6। अच्छा जरा हमको ये बताइए, जरा मैंने लेड एसिड बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा बताई थी, और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और लोड प्रतिरोध के बीच में एक संबंध बताया था, ठीक है, जब हम श्रेणी क्रम में थे तो यहाँ था NE/E, ठीक है, NE/E nr प्लस लोड का प्रतिरोध, यही मैंने फॉर्मूला आपको दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, मरकरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किसका बना होता है? तो बच्चे लोग मैं एक बात बता दूँ आपको, जो ये कंटेनर पूछा गया है ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है कि लेड एसिड बैटरी, ठीक है, अगर लेड एसिड बैटरी नहीं, यहाँ पर अगर सेल लिख देता तो वो कंटेनर किसके हो जाते, जिंक के हो जाते, किसके हो जाते, जिंक के। जब यहाँ लिख देता क्या, सेल के कंटेनर अगर पूछता, ठीक है, जब सेल के अगर कंटेनर पूछता तो आंसर आपका जिंक हो जाता है। यहाँ पर लेड एसिड बैटरी की जो हमारे घरों में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी जोड़ते हैं उसका यहाँ कंटेनर पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कठोर रबर। कल मैंने इसमें वीडियो में बताया था पिछले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, की इकाई क्या है? तो यहाँ बच्चे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लखनऊ मेट्रो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये ग्राम प्रति कूलम, सॉरी ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, केजी पर मीटर क्यूब, और इसका मतलब होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो ये लिखा है ग्राम प्रति सीसी, यही ऑप्शन में था जो कि राइट था। अब अगली बात, ये ग्राम प्रति क्यूब जो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो दिया गया है, ये जो तुम्हारा मात्रक जो है या इकाई है, ये इकाई किसमें, CGS प्रणाली में, किसमें, CGS प्रणाली में, जबकि यहाँ जो दिया गया है ये किस प्रणाली में, MKS प्रणाली, या फिर हम SI यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि अन्य में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की क्षमता मरकरी सेल से, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल की क्षमता जो है मरकरी सेल की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है, यहाँ पर अपना बढ़िया से याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आंसर हो जाएगा सी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। लेक्लांसे सेल में ऋणात्मक ध्रुवता का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका आंसर हो जाएगा ए, जस्ते की छड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ लिखा है कि निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो यहाँ सा लिखा है, ये मिस्ट प्रिंट छपा हुआ है, कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो विद्युत बैटरी के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, क्योंकि बैटरी जो है परिवर्ती क्रिया वाला रासायनिक स्रोत है और ये यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा। यहाँ लिखा है प्राथमिक बैटरी में, तो प्राथमिक बैटरी में क्या होता है कि प्राथमिक बैटरी में कोई रासायनिक उत्क्रमणीय क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो प्राथमिक बैटरी में कोई रासायनिक उत्क्रमणीय क्रिया क्यों नहीं होती है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो प्राइमरी बैटरी होती है या सेल होती है, इसको अपनी लाइफ में केवल एक बार चार्ज किया जाता है, इसके बाद जब ये डेड हो जाती है तो इसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी उत्क्रमणीय, जब इसको हम चार्ज नहीं करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जब चार्ज नहीं करेंगे तो उत्क्रमणीय क्रिया होगी नहीं, कंटिन्यू ये डिस्चार्ज ही होती रहती है, चार्ज नहीं इसको किया जाता है, ठीक है, प्राथमिक बैटरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंडरी बैटरी में, तो सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है कि रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी बैटरी होती है इसको हम बार बार चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, तो जो सेकेंडरी सेल होती है उसका एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लेड एसिड सेल जो है वो एक प्रकार की सेकेंडरी सेल होती है, ठीक है, द्वितीयक सेल, इसको हम पीवी सेल भी कहते हैं, क्या, पीवी सेल, क्योंकि ये लेड का होता है बना हुआ, इसकी प्लेटें सभी लेड की बनी होती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं, ठीक है, तो एक्टिव पार्ट जो लेड एसिड बैटरी जो होती है उसके एक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, लेड परऑक्साइड और स्पंजी, इसकी क्या बनाई जाती हैं, प्लेटें बनाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लेड एसिड बैटरी में प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या होता है, H2SO4 इसका उपयोग किया जाता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड के इसका उपयोग नहीं करते हैं, ये गलत है। एक्वा रेजिया ये एक शब्द आया है, ये किस लिए उपयोगी है, तो बच्चे लोग बता दें कि एक्वा रेजिया जो होता है इसमें क्या होता है, जो गोल्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, गोल्ड, जो सोना होता है अगर एक्वा रेजिया में डाल दिया जाए तो ये गल जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है, तो बैटरी की क्षमता व्यक्त करने के लिए क्या होता है, एम्पियर घंटा, ये आंसर आपका हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 27 इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, तो बच्चे लोग याद रखना बैटरी की जो क्षमता होती है उसकी डिस्चार्जिंग की दर पर निर्भर करती है, आप वाट घंटा एकदम मत मार दीजिए, ना ही तापमान ना ही स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान, इसके बाद लिखा है शुष्क सेल का विद्युत भागवत होता है, तो जो ड्राई सेल होती है उसका EMF कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 28 जो ड्राई सेल होती है उसका EMF जो होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट, जो हम लोग क्लॉक में घड़ी में जो सेल डालते हैं उसका पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा ए, सेल होती है उसकी वोल्टेज घटने लगती है, क्योंकि जो लेड एसिड सेल होती है उसकी वोल्टेज जनरली कितनी होती है डिस्चार्ज होने के बाद, 1.8, और चार्ज होने के बाद उसकी कितनी हो जाती है,
2.2 औसतन, तो इस वाले से ये कम है, जब डिस्चार्ज होगा तो ये घट जाएगी, चार्ज होगा तो ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विद्युत विभाग बल जो है वो बदलता है, इसका वोल्टेज बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। तो मेरे बच्चे, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये 21% मिलाया जाता है, ठीक है, KOH, और यही जो है इसका इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य भाग होता है। इसके बाद इसमें जो होता है लिथियम होता है, लिथियम कितना होता है 1%। इसका काम क्या है, इसका काम है बैटरी के का जीवन काल बढ़ाना। और इसमें क्या होता है, आसुत जल होता है, और क्या होता है, आसुत जल होता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और लिथियम होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये इसका एडिशन सेल का क्या होता है, चाहे वो आपका एडिशन सेल हो, एडिशन सेल मतलब निकल आयरन सेल, या फिर वो हो आपकी निकल कैडमियम सेल, दोनों में से कोई भी हो, दोनों के लिए हम इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट का। कल मैंने आपका पिछले वीडियो में जो थ्योरी मैंने बताया था, थ्योरी में उसका पूरा डिटेल बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में क्या है कि पहले खाली स्थान दिया वोल्ट, लेड एसिड बैटरी का औसत विद्युत वाहक बल होता है, तो ये कितना होता है 2.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी, जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व है क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो। जब बैटरी चार्ज होती है तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, हम 1150 से, ठीक है, ये डिस्चार्ज के पोजीशन में होता है, और जो 1250 होता है ये इसकी चार्ज पोजीशन होता है। 1250 से हम कितना लेते हैं 1280, ये कितना लेते हैं 1140 से कितना 1150 तक, ये डिस्चार्ज का है और ये चार्जिंग का आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व होता है, तो 33 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका कितना 1225, जैसे कि अभी मैंने बताया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना 1225, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये हो गया तुम्हारा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में आपेक्षिक घनत्व। अगर इसको 1250 लिख दिया जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम पर सीसी, तो ये भी आपेक्षिक घनत्व है और ये भी आपेक्षिक घनत्व है, क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी कैसी हो, डिस्चार्ज हो, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा 1140 से 1150। तो यहाँ 11 पर आपको एक ही ऑप्शन केवल दिखाई दे रहा है, वो है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो याद रखना है डिस्चार्जिंग के समय बैटरी की प्लेट का रंग हो जाता है सफ़ेद। अब चलते हैं चार्जिंग की अवस्था में, ठीक है, तो बैटरी जब चार्ज होगी तो इसका एनोड जो होता है प्लस और जो कैथोड होता है माइनस, तो प्लस प्लेट का रंग क्या होगा और माइनस प्लेट का रंग क्या होगा, तो इसके लिए मैंने कल एक ट्रिक दी थी, वो थी चाय, क्या चाय कैसी है, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक दी थी चाय कैसी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो चा से हो गया चॉकलेटी रंग और ए से हो गया एनोड, तो जो एनोड होता है ये कैसा होता है, चॉकलेटी होता है, ठीक है, किस पोजीशन में, जब बैटरी चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है तो सफ़ेद हो जाएगा, और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, स्लेटी होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लेटी, ठीक है। अब ज़रा हमको बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका आंसर हो जाएगा बी सही, क्योंकि यहाँ पर बैटरी के प्लेट का रंग क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, डिस्चार्ज के समय जो बैटरी है इसकी प्लेट का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, सफ़ेद रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36।
यहाँ क्या कह रहा है कि बैटरी के धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जब बैटरी धनात्मक होगी, एनोड होगी, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था, चाय ऐसे लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका आंसर। तो एनोड जब होगा, ठीक है, एनोड के लिए पूछ रहा है, एनोड मतलब धनात्मक प्लेट, प्लेट तो इसके लिए आंसर पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, चॉकलेटी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जस्ट नीचे पलट करके दे दिया, ऋणात्मक प्लेट, यहाँ धनात्मक का पूछा है तो चॉकलेटी हो गया, जब ऋणात्मक का पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्लेटी हो जाएगा, अभी तुरंत ही मैंने बताया था, ठीक है। कैसी इसका आंसर है, कैसी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कैथोड और ये हो गया तुम्हारा स्लेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। और जबकि हाइग्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, नमी, जो वातावरण की आर्द्रता होती है, जो नमी होती है उसको मापते हैं। जबकि टैकोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, घूर्णन करती हुई मशीनों की गति को ज्ञात किया जाता है। सेल टेस्टर के द्वारा क्या करते हैं कि बैटरी जो सेल होती है उसकी चार्जिंग की दर को हम टेस्ट करते हैं, उसकी वोल्टेज क्षमता देखते हैं कि कितनी चार्ज हो गई है। और ये सेल टेस्टर है, इसका उपयोग नॉर्मली कितने समय तक किया जाता है, 10 सेकंड तक, ठीक है, ये बात याद रखना। इससे अधिक इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, अगर उपयोग करेंगे तो इसकी प्लेटें जो है वो हो जाती हैं टेढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े। तो कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं, जब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो बैटरी होती है उसकी क्या बढ़ती है, यहाँ से देखो इसकी क्या ये बढ़ेगी, ये सभी को अगर हम जोड़ देंगे किसका वैल्यू बढ़ेगा, धारा का। अगर सभी बैटरी को हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, धारा का मार्ग तो एक ही हो गया, यहाँ बढ़ेगा क्या, वोल्टेज का वैल्यू, ठीक है। जब यहाँ पर हमको धारा बढ़ानी है तो हम प्लेटों को कैसे जोड़ेंगे, समांतर में, ठीक है। जब वोल्टता बढ़ानी है तो हम कैसे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में, तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड में सक्रिय तत्व क्या है, जो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, स्पंजी लेड मतलब ये प्लेट हो गई, लेड परऑक्साइड ये भी प्लेट हो गई, और तनुगंधक अम्ल ये हो गया उसका इलेक्ट्रोलाइट, तो आंसर हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है। तो बैटरी की क्षमता मापने के लिए एम्पियर घंटे का उपयोग किया जाता है, ए एच का उपयोग किया जाता है, एम्पियर आवर का, ठीक है। जबकि ये भी बैटरी की क्षमता है परंतु इसको नहीं लिया जाता है जब ए एच दिया गया हो, ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 के अनुसार देखते हैं, कार्बन जिंक सेल को हम लैग्रांजी सेल के नाम से भी जानते हैं, मैं विध्रुवक का अर्थ का क्या कार्य है, जो विध्रुवक है इसका क्या कार्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में रूपांतरित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है। तो शुष्क सेल जो होती है उसमें विध्रुवक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मैंगनीज डाई ऑक्साइड। बच्चे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके प्रदान करता रहूँगा। अब जो है 1 तारीख से जो आपकी जो जून जो आ रहा है, तो 1 जून से मैं आपको कंटिन्यू रेगुलर 1 क्लास जो है दूंगा और उसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर उसका रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल आपको UPPCL में या किसी भी टेक्निकल के एग्ज़ाम में सफलता अगर हासिल करनी है तो चैनल को
स्किप करके मत जाइए, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को सही से समझाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक 144 AH की बैटरी 9 एम्पियर करंट प्रदान करती है, तो ये कितने घंटों तक, ठीक है, कितने घंटों तक धारा प्रदान करेगी। जैसे कि बोला गया कि बैटरी की जो क्षमता होती है ये किस में होती है, AH में होती है। इसके बराबर कितना दिया गया, 144 दिया गया, तो एम्पियर का वैल्यू यहाँ पर हो गया 9, ठीक है, इंटू हो गया H इक्वल टू 144, 9 से इसको काट दीजिए, आंसर हो गया आपका 16 घंटे, H इधर बचा, तो ऑप्शन कौन सा आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका D सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है निकल आयरन सेल। तो बच्चे ऊपर जो एक क्वेश्चन अभी आया था कि एडिशन सेल, ठीक है, तो एडिशन सेल का उपयोग जो है हम किस में करते हैं, एयरक्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है, सबमरीन में मतलब पनडुब्बी में किया जाता है, और जो लोकोमोटिव का इंजन होता है, ठीक है, इंजन जो होता है इस इंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो निकल आयरन सेल होती है इसका उपयोग इन सभी जगह किया जाता है, परंतु यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, निकल आयरन सेल होता है तो ये एक प्रकार का शुष्क द्वितीयक सेल है, जो आप यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ते हो तो बच्चे उसमें इसका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तरल पदार्थ नहीं भरा जाता है। तो ये जो है निकल आयरन सेल जो है एक प्रकार की कौन सी सेल है, शुष्क सेकेंडरी सेल है, ड्राई सेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, ठीक है, जब निष्क्रिय रखना हो लंबे समय तक तो क्या करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा कि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है D आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में प्रदान करती है। तो जो ये लेड एसिड जो सेल होती है, कोई भी सेल है जिसको अगर चार्ज किया जाएगा तो ये विद्युत ऊर्जा को हमेशा रासायनिक ऊर्जा में ही रूपांतरित करती है, क्योंकि जो बैटरी होती है ये रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का एक स्रोत होता है, जो कि जब हम किसी लोड को इसके साथ जोड़ते हैं तो हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं बैटरियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 48 आपका हो जाएगा, किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था, ठीक है, व्यक्त की जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो अवस्था है ये किस रूप में व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व के रूप में इलेक्ट्रोलाइट, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो जो लेड एसिड सेल होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो इसमें क्या डाला जाता है, आसुत जल डाला जाता है, ठीक है, आसुत जल का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ है। तो जो द्वितीयक सेल है इसका मुख्य लाभ क्या होता है कि इसको पुनः से आवेशित किया जा सकता है। इस बैटरी को हम पुनः से चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं, ये इसका सबसे अच्छा लाभ है। इसका मूल्य कम होता है, गलत, मूल्य अधिक होता है, इसका आकार छोटा होता है, ये भी गलत, ठीक है, इसे सचल विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग करती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस प्रक्रिया में गैसिंग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं जो लेड एसिड सेल होती है उसमें किस टर्मिनल पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक H2O ऊपर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा
ये हो गया तुम्हारा एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पर उत्पन्न होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये एनोड पर मतलब धनात्मक उत्पन्न होता है। तो इतना कन्फर्म हो गया। ये जो फॉर्मूला बनाया गया था ये था लेड एसिड, ठीक है, लेड एसिड सेल के लिए या बैटरी के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में गैसिंग उत्पन्न होती है। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय बैटरी जब फुल चार्ज होने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा गैसिंग उसी समय उत्पन्न होती है। तो लेड एसिड सेल को, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 50 का आपका जवाब हो जाएगा सी सही, ठीक है। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, सेल को चार्ज करते हैं, तो गैसें उसमें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखना अपना बढ़िया तरीके से जैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, ठीक है, सॉरी लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार किया जाता है। तो मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा की थी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे, इसमें भर देंगे क्या, जल। क्या भर देंगे? H2O। इसके बाद एक और कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में भरा रहेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम जल में बूंद बूंद करके डालते हैं, ठीक है, बूंद बूंद करके इसमें डालते हैं और किसी एक छड़ी के द्वारा इसको मिलाते जाते हैं। तो यहाँ बात क्या हुई, जल में इसको डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बूंद बूंद करके डाला जाता है। इसमें जल और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में जल, ठीक है, और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इनका दोनों का अनुपात कितना होता है? तो इसमें जल होता है 3 पार्ट और H2SO4 होता है 1 पार्ट। तो जल और H2SO4 इन दोनों के बीच में 3:1 का रेशियो होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, जो लेड एसिड सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, ये तो गलत हो गया। लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, ये सही हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल में घोलकर, ये भी गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, ठीक है। तो उसके प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है, प्लेट के क्षेत्रफल के ऊपर स्टोरेज क्षमता बैटरी की निर्भर करती है, मोटाई पर नहीं करती है, ना ही घनत्व पर, ना ही उसके आकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जब बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये क्या होता है, शीतल होने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रतिरोध आप गुणांक होता है ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। कि जब हम बैटरी को ठंडा करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे, जब बैटरी को डिस्चार्ज किया जाएगा तो अल्फा जीरो जो होता है, ठीक है, क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक। जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो इसमें धारा प्रवाह धीरे धीरे घटने लगेगा। जब घटने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक आया है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो शुद्ध चालक होते हैं, शुद्ध चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव और नियमित रूप से बढ़ता है। जो मिश्रित चालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ये भी पॉजिटिव होता है परंतु अनियमित रूप से बढ़ता है। जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है। जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक नेगेटिव होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है 0, जैसे कि यूरेका है, ठीक है, यूरेका है, मैग्नीन है, ठीक है, कैंथाल है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इनका सबका जो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। क्योंकि इनको जब हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये इनका रेजिस्टेंस परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और
हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिए गए हैं और आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर आप देखेंगे तो आई बटन पर भी हमारे वीडियो वहाँ से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के वीडियो, सभी प्रकार के सिलेबस, टेक्निकल, रीजनिंग, जीके और हिंदी, इंग्लिश, सभी प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। और UPPCL की अच्छी सी तैयारी हो रही है यहाँ, आप लोग हमारे चैनल पर जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो, जन्नत में रहो। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।